हेलो फ्रेंड, गौतम एग्रीकल्चर स्टडी में आपका स्वागत करती हूँ। मैं आपके लिए न्यू वीडियो लेकर आई हूँ, तो प्लीज़ वीडियो को आप एंड तक देखिए। अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन पर प्रेस कीजिए ताकि आपको न्यू नोटिफिकेशन मिलती रहे। ओके, तो आज मैं आपको कुछ सीड टेक्नोलॉजी के मतलब सीड की कुछ डिफिनीशन, उसके बाद एग्रोनॉमिकली बोटैनिकली जो भी डिफिनीशन होते उसके बारे में बताऊंगी एंड सीड इंडेक्स के बारे में बताऊंगी कि क्या होता है और टेस्ट वेट के बारे में बताऊंगी क्या होता है, सीड क्वालिटी और इंडेक्स के बारे में बताऊंगी और रियल वैल्यू ऑफ सीड बताऊंगी। ओके, तो चलिए देखते हैं। जो सीड होता है उसकी एग्रोनॉमिकली जो डिफिनीशन होती है वो ये होती है कि किसी भी मतलब प्लांट का कोई भी पार्ट, प्लांट का कोई भी पार्ट जिससे क्या होता है, न्यू प्लांट डेवलप होता है, ठीक है ना, उसे हम क्या बोल देते हैं, एग्रोनॉमिकली सीड बोल देते हैं। अगर बोटैनिकली बात करते हैं तो बोटैनिकली में ये हो जाएगा कि सीड क्या है, एक फर्टिलाइज्ड ओव्यूल है जिसमें इम्ब्रियो और एंडोस्पर्म तथा सीड कॉट पाया जाता है और जिसमें क्या होती है, जर्मिनेशन की एबिलिटी या कैपेसिटी होती है। तो अब ये हो गया बोटैनिकली। तो क्या अब इसकी बात करें कि क्या क्या होता है, इसमें इम्ब्रियो होता है और एंडोस्पर्म होता है और सीड कॉट होता है। ओके, अब इनकी डिफिनेशन देख लेते हैं कि इम्ब्रियो क्या होता है। तो जो इम्ब्रियो होता है वो होता है इन अर्ली स्टेज ऑफ डेवलपमेंट बिफोर बर्थ। ओके, और जो एंडोस्पर्म होता है वो होता है ए पार्ट ऑफ सीड दैट स्टोरेज फूड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ प्लांट। ओके, फिर जो सीड कॉट होता है वो होता है कि प्रोटेक्टिव आउटर कॉट ऑफ सीड। ओके, अब इसमें अपन को ये तो पता ही है कि जो जर्मिनेशन कैपेसिटी क्या होती है, कि जो जर्मिनेट होता है सीड उसके बारे में, ठीक है। और जो थर्ड है आपका सीड इंडेक्स, सीड इंडेक्स की बात करें तो वेट ऑफ 100 सीड, जो 100 सीड का वेट होता है और जो इसमें बोल्ड सीड होते हैं, बोल्ड सीड मतलब जो बड़े सीड होते हैं उसके लिए हम क्या बताते हैं, सीड इंडेक्स बताते हैं। एग्ज़ाम्पल हो जाएगा मेज, ठीक है ना, मेज, जैसे मेज का सीड क्या होता है, बड़ा बोल्ड होता है, उसके लिए हम अपन सीड इंडेक्स लेते हैं। और जो टेस्ट वेट होता है वो मतलब स्मॉल सीड्स के लिए होता है, स्मॉल सीड्स के लिए हम क्या लेते हैं, टेस्ट वेट लेते हैं और ये 1000 ये मतलब वेट होता है इसका सीड, 1000 दाने का वेट वजन क्या होता है, टेस्ट वेट होता है और 100 दाने का वजन क्या होता है, सीड इंडेक्स होता है। ओके, फिर बात करते हैं सीड क्वालिटी। सीड क्वालिटी, जो सीड क्वालिटी इंडेक्स होते हैं, नाम से ही पता चल रहा है सीड की क्वालिटी। तो क्या होता है कि उसके मतलब जो सीड के जर्मिनेशन होने का जो भी कैपेसिटी होती है, सीड के जर्मिनेशन होने का करेक्टर होता है वो क्या होता है, आपका सीड क्वालिटी इंडेक्स होता है। फिर बात करते हैं रियल वैल्यू ऑफ सीड। तो रियल वैल्यू ऑफ सीड क्या होता है, जो क्रॉप की मतलब जो प्योरिटी परसेंट होता है, आपका क्रॉप की प्योरिटी परसेंट जो भी होता है, उस प्योरिटी परसेंट का जर्मिनेशन परसेंट उस सीड का क्या कहलाता है, रियल वैल्यू कहलाता है। तो मैं आपको इसमें नेक्स्ट वीडियो में रियल वैल्यू और टेस्ट वेट, जर्मिनेशन परसेंट, ये सब के लिए मैं फार्मूला बताऊंगी। ओके फ्रेंड, तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ शेयर लाइक सब्सक्राइब कीजिए एंड जो भी मिस्टेक हो कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताएं। ओके, थैंक यू।